नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 24 जून शुक्रवार सुबह 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर, करौली, झुंझुनू, भरतपुर एवं बाड़मेर जिले में 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने अलवर जिले के गोठड़ा, हिंगवाहेड़ा एवं सलारपुर, करौली जिले के गामड़ा एवं रतियापुर, झुंझुनू जिले के भाटीवाड़, पजावा एवं शीथल, भरतपुर जिले के गढ़ी मेवा तथा बाड़मेर के जसाई गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएससी में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन की अब सूरत बदल जाएगी। रेलवे इसे वर्ल्ड क्लास बनाने में जुट गया है। यहाँ यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल समेत अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल रेलवे बोर्ड ने गत वर्ष एक सूची जारी कर देशभर के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के पुनर्वास का निर्णय किया। दूसरे चरण में बोर्ड ने जयपुर जंक्शन को इसके लिए चिन्हित किया। इसके बाद बोर्ड ने इस स्टेशन के पुनर्विकास का जिम्मा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को सौंपा। इस वर्ष के शुरुआत में जोनल रेलवे ने महाप्रबंधक की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर इसका खाका तैयार किया। अग्निपथ योजना के विरोध में एक बार राजस्थान फिर प्रदेश कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने की घोषणा कर दी है। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस 27 जून को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में धरने प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को इस संबंध में पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में घोषणा की। बाड़मेर से जयपुर के बीच चल रही बाड़मेर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के मथुरा तक विस्तार की प्रक्रिया फिर धीमी हो गई है। जनता और प्रतिनिधियों की पुरजोर मांग के बाद भी रेलवे की ओर से लेट लतीफी की जा रही है। हालांकि उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य रेलवे की ओर से इस ट्रेन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन अब उत्तर मध्य रेलवे ने प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता नहीं होने का हवाला दिया है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से भिवानी मथुरा और मथुरा सवाईमाधोपुर ट्रेन को एक साथ चलाने का सुझाव दिया है। अलवर सांसद बालकनाथ भी इस ट्रेन के विस्तार को लेकर पत्र लिख चुके हैं। यूटी टैक्स समय पर जमा कराने वाले करदाताओं का निगम सम्मान कर रहा है। निगम ग्रेटर को करीब 88 लाख रुपए यूडी टैक्स के चुकाने वाले व्यवसायी को निगम आयुक्त महेंद्र सोनी ने गुरुवार को मुख्यालय में सम्मानित किया। मुरलीपुरा जोन के सीकर रोड के विनोद गोयल ने यूडी टैक्स का चेक निगम कमिश्नर को सौंपा। इसमें 24,86,000 और 5 लाख की 2 प्रॉपर्टी का यूडी टैक्स का चेक जमा कराया। आयुक्त महेंद्र सोनी ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि शहर के विकास के लिए निगम को यूडी टैक्स जरूर जमा कराना चाहिए, ताकि निगम को किए गए सहयोग की वजह से शहर के विभिन्न विकास कार्य कराए जा सकें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भूजल विभाग में कनिष्ठ भू भौतिकवाद, कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायक रसायन एवं भूजल विज्ञान भर्ती 2022 के तहत अभ्यर्थियों को फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया है। अभ्यर्थी आज शुक्रवार से संशोधन कर सकेंगे। जोधपुर शहर में इन दिनों ट्रैफिक पुलिस बाइकर्स पर नजर रखे हुए है। एक अभियान के तहत उन बाइकर्स की बाइक जब्त कर रही है जो एयर पोल्यूशन बढ़ा रही है। बाइकर्स अपनी बाइक में साइलेंसर मॉडिफाइड करवाते हैं, जिससे साइलेंसर से आवाज़ तेज हो जाती है और स्पार्किंग से पटाखे की तरह आवाज़ निकालते हैं। ट्रैफिक पुलिस कार्यवाही कर इस तरह के ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बाइकर्स के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। गुरुवार को एक दिन में रिक्तिया भैरूजी चौराहे पर 8 बाइक जब्त की गई। इस दौरान ADCP चैन सिंह माहेचा खुद मौके पर पहुंची और टीम को बधाई दी। उदयपुर जिले में स्पोर्ट्स क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार उदयपुर में एक भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं छोड़ना चाहती जिसमें खेल मैदान नहीं हो। जिले के सभी 652 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान तैयार होंगे। प्रथम चरण में 189 खेल मैदान तैयार किए जाने हैं। इसके लिए प्रस्ताव जिला कलेक्टर को खेल विभाग के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर 101 मैदानों की वित्तीय स्वीकृति को लेकर 2 स्टेप में 25,40,00,000 रुपये जारी किए जा चुके हैं। मारवाड़ कुम्हार प्रजापति समाज विकास संस्थान की तरफ से समाज का 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन गुरुवार को रावण का चबूतरा मैदान पर आयोजित किया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 50 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इसमें राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड व बिहार से भी जोड़े शादी करने आए। संस्थान के अध्यक्ष दशरथ कुमार कवाड़िया ने बताया कि इस सामूहिक विवाह में परिणय सूत्र में बनने वाले प्रत्येक नवविवाहित जोड़ों को 50 गज का कृषि प्लॉट सहित अन्य उपहार संस्थान की ओर से दिए गए। रेलवे ने अब स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। रेलवे युवाओं को अपने साथ जोड़ रेलवे संबंधी समस्याएं दूर करने में इनकी मदद लेगा। जोधपुर मंडल अधिकारियों के अनुसार रेलवे से जुड़कर काम करने वाले इन स्टार्टअप को न्यूनतम 1.5 करोड़ का फंड भी मुहैया कराया जाएगा। रेलवे स्टार्टअप्स के लिए अब 50 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगा। जोधपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन के तत्वाधान में आर्य वीर दल जोधपुर द्वारा आयोजित योग व्यायाम प्रशिक्षण, चरित्र निर्माण एवं संस्कार शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह का प्रारंभ मुख्य अतिथि के गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ। तत्पश्चात परेड का निरीक्षण किया। प्रधान शिक्षक जीवनलाल आर्य ने सैनिक अभिवादन कर व्यायाम शिक्षक
शनि आर्य एवं मनोहर लाल आर्य के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुन के साथ पथ संचलन किया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में परीक्षा के समय व तारीख में बदलाव परीक्षार्थियों के लिए गलफांस बन गया है। यहां किसी न किसी कारण से परीक्षा शुरू होने से लेकर अब तक 16 बार परीक्षा स्थगित की गई है या नई तिथि घोषित की गई है। हालात ये हैं कि यदि परीक्षार्थी किसी दिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलकर नहीं देखे तो हो सकता है कि वो जो परीक्षा देने पहुंचे उस पेपर की तारीख ही बदल चुकी हो। परीक्षा विभाग लगातार होने वाले इस बदलाव का कारण किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का होना बता रहा है। जोधपुर में श्री क्षत्रिय घांची समाज के 888वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मिल्कमैन कॉलोनी घांची समाज द्वारा आयोजित गौपालक कबड्डी रात्रिकालीन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता में खेले गए पहले मैच में मिल्कमैन कॉलोनी ने भगत की कोठी को 40-29 से, मिल्कमैन कॉलोनी ने सरदारपुरा को 55-19, भगत की कोठी ने मिल्कमैन कॉलोनी को 45-30 से हराया। भाजपा के जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में मांझी का हत्था मंडोर रोड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में भाजपा पदाधिकारी मोर्चा मंडलों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धानदिया ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा की तरफ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। जोधपुर के कार्यवाहक संभागीय आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने संभाग स्तर पर 29 जून से 1 जुलाई तक तिवरी के दादाबाड़ी आश्रम में प्रस्तावित 3 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के सुचारू संचालन की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिला परिषद के राजीव गांधी सेवा केंद्र में बैठक ली। बैठक में कार्यवाहक संभागीय आयुक्त ने शिविर के लिए स्थापित विभिन्न प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारियों को उनको आवंटित कार्यों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रभारियों को शिविर स्थल पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।